Hey, great morning believers, believe yourself. Okay, so 10th standard और 12th standard के बच्चे students जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिया उनका रिजल्ट जस्ट 15 दिन के अंदर कभी भी आ जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे ये वर्ड आपको सुनाई आता है आपका दिल धक धक करना शुरू कर देता है, पहले भी करता था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा करेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, नर्वसनेस आ जाएगा। कुछ लोगों को सपने भी दिख रहे होंगे कि रिजल्ट ऐसा आया, ऐसा हुआ, फैमिली में ऐसी ऐसी बातें शुरू हो गई, है ना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सच में कुछ ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ करके, मतलब क्या बात आपके सामने रखूँ, कोई बात मैं थोड़ी कड़वी ना बोल दूँ जिससे पेरेंट्स को बहुत बुरा लग जाए वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ये नहीं सोचना है कि किसको कितना बुरा लगेगा, जो मैं फील करता हूँ रिजल्ट को रखकर, जो मेरे व्यूज है, जो मेरा दिल कहता है, मैं वही बात आपके सामने करूँगा, मतलब दिल से बात करूँगा आज आपके साथ, ठीक है बेटा, दिल से बात करूँगा। तो सबसे पहली बात सुन लो, पहले ही स्टेटमेंट में क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट जो आया है ना वो पास्ट में किए हुए परफॉर्मेंस का आया है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसका नहीं आया। पास्ट में जो हमने परफॉर्म किया वो परफॉर्म हमने कैसे किया उसका रिजल्ट हमारे सामने आया, और इसका आपके फ्यूचर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो प्रेजेंट से बनता है ना कि पास्ट से। क्या बोला, समझ में आया, फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से ना कि पास्ट से। इसलिए आज आप प्रेजेंट में क्या हो, आप डिसीजन क्या लेते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या बनेगा। इसलिए रिजल्ट को बस उतना ही लेना है, उतना ही एनालिसिस करना है जितना जरूरी है। रिजल्ट रोने के लिए या खुश होने के लिए नहीं है, रिजल्ट है इस बात के लिए कि आप उसको एनालिसिस करके अपने गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को बाहर निकालो। इस दुनिया के सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होगा कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आपके अंदर कितना पैशन है, आप क्या बनेंगे, ये उससे कभी डिसाइड ना हुआ था और ना होगा, कभी नहीं होगा। तो पहली चीज जो बोला वो समझ में आया, रिजल्ट पास्ट का आया, जो पास्ट में किया उसका रिजल्ट आया, है ना। तो उसे सिर्फ एनालिसिस करो कि हाँ किस में कमजोर हूँ, किस में ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जिसमें कमजोर हूँ उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करूँगा, जिसमें स्ट्रांग हूँ उसको स्ट्रांगर स्ट्रांगेस्ट के लेवल पर लेकर जाऊँगा, रिजल्ट उसके लिए होता है, ठीक है। हाँ थोड़ा बुरा लगेगा या फिर बहुत थोड़ा सा खुशी आएगी अंदर कि बहुत अच्छा रिजल्ट बना लिया, या फिर जो सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मन ही मन में दुख होगा, लेकिन वो बोलते हैं ना लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप, जिंदगी एक अगले कदम की तरफ ही मतलब आगे बढ़ती है, वो कभी पीछे नहीं चलती है, ठीक है। आप खुद होकर सोचो ना, आप जब भी चलते हो कभी आप बैकवर्ड चलते हो क्या, हमें हमारे पैरों में ऐसी कुछ ये दी है क्या, हमारे पैरों में कभी कुछ ऐसा कुछ पावर दिया है क्या हम बैकवर्ड चले, हमें कभी पीछे आके दी है क्या, पीछे आके क्यों नहीं दी, क्योंकि लाइफ बताती ही यह है कि जो बीत गया जो वो बीत गया, वो पीछे निकल गया, उसको नहीं देखना है, देखना कहाँ पर है, आगे देखना है, आगे क्या होगा, आगे क्या करूँगा। और रिजल्ट पास्ट बताता है, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर क्या बताएगा, आज का प्रेजेंट जो आज करोगे। इसलिए रिजल्ट को लेकर इतना सोचना नहीं है, क्लियर। हाँ दूसरी बात, इसके पहले कभी रिजल्ट नहीं आया क्या, रिजल्ट तो हमेशा से आता रहा यार, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, हमेशा रिजल्ट आता रहा, हमेशा से तो रिजल्ट आता रहा। तो फिर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में ऐसा क्या हो जाता है, अच्छा 10th का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर पूरे जमाने की नज़र हमारे ऊपर होती है, इसके पहले इतना हमें कोई फोकस नहीं करता था, नेबरहुड वाले पूछते नहीं थे, रिलेटिव्स में से कोई इतना बात नहीं करता था, लेकिन 10th में पहुंचती, हाँ आपका बच्चा 10th में है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है उसका, बिल्कुल नेबरहुड में से, अरे तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, 10th में था ना तू, हाँ बराबर है। और 10th पास करते ही जब वो 11th में जाता तो 11th का रिजल्ट भी कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट 12th का रिजल्ट पूछते हैं। तो एक बात अंडरस्टैंड करो कि
एक सिस्टम बन गया है जिसमें 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को बहुत हाई लेवल पर हाईलाइट कर दिया जाता है। इतना हाई लेवल पर हाईलाइट कर दिया जाता है, इसके बारे में बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसके पहले कभी रिजल्ट नहीं आता था? आता था। तो 10th में ही ऐसा क्या हो गया, 10th में ही ऐसा क्या हो गया कि पूरी जमाने की नजरें हमारे ऊपर आ गई? क्योंकि एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में 10th और 12th का इम्पोर्टेंस बहुत सालों से बनाकर वैसे के वैसे रख दिया है कि हाँ 10th और 12th बहुत ही मैटर करता है। हाँ, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आपका बच्चा क्या कर रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्रेजुएशन में उसके बैक लग जाते हैं, 11th में उसके बहुत कम परसेंटेज आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रिलेटिव्स पूछेंगे तो कौन सा रिजल्ट पूछेंगे, 10th पूछेंगे, 12th पूछेंगे। पेरेंट्स के लिए किस कौन सा रिजल्ट मैटर करेगा, तो 10th का रिजल्ट मैटर करेगा, 12th का रिजल्ट मैटर करेगा। जो पहचान का नहीं भी है उसके लिए कौन सा रिजल्ट मैटर करेगा, 10th का रिजल्ट मैटर करेगा, 12th का रिजल्ट मैटर करेगा। इतना पागल बना के रखा है ना यार 10th और 12th को रखकर कि बच्चों के लिए जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर है उनके लिए 10th में पढ़ाई करना। पढ़ाई को एंजॉय करने से ज़्यादा उनको इस बात का टेंशन रहता है कि साला रिजल्ट लाने के लिए मुझे पढ़ना है करके। बच्चों एक बात बताओ यार, पहले भी तो रिजल्ट आया होगा ना, इतना कभी प्रेशर फील नहीं किया होगा, अभी इतना प्रेशर क्यों फील कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, इतने पूरे स्टैंडर्ड्स जो भी आपने मतलब जितने क्लासेस आपने अभी तक पास आउट किए उसके बाद 10th में इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? ये प्रेशर तुम्हारा नहीं है, ये प्रेशर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे तरफ आ रहा है। लेकिन अब इसको भी अंडरस्टैंड करो कि ये प्रेशर पेरेंट्स का नहीं है, ये प्रेशर रिलेटिव्स का, नेबरहुड में रहने वाले लोगों का, सोसाइटी का, ये प्रेशर उनके तरफ से आपके पेरेंट्स के ऊपर आता है। क्योंकि पूरी सोसाइटी में, पूरे रिलेटिव्स में 10th और 12th को ही हाईलाइट करके रख दिया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी ये फील होती है कि यार बच्चा 10th में अच्छा रिजल्ट लाएगा तो रिलेटिव्स में अच्छी बातें होगी, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में अच्छा नाम होगा 10th और 12th को रखकर। जबकि ये सिस्टम कम से कम 30 साल या 40 साल पुराना होगा, 30 या 40 साल पहले या 20 साल पहले ये बहुत मैटर करता होगा कि कोई भी 10th में या 12th में कितना रिजल्ट ला रहा है। लेकिन आपको सिर्फ अपनी मॉडर्निटी अपने कपड़ों में शो नहीं करनी है, आपको अपनी सोच को भी मॉडर्न लेकर जाना है। पहले बहुत मैटर करता होगा यार 10th और 12th के रिजल्ट्स, अभी वैसा नहीं रहा। अभी तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी हाथ में फाइल रहती है, किसी को जॉब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब वर्ल्ड बन रहा है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। जो प्रेजेंट में परफॉर्म करेगा वही टिकेगा। रिजल्ट पर दिखाने से पहले चलता था, अभी नहीं चलता, अभी सिर्फ प्रेजेंट का परफॉर्मेंस चलता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रेजेंट के परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। प्रेशर आपके ऊपर जो आ रहा है, आपके पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है, वो रिलेटिव्स से, आपकी सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, ओके? तो इस प्रेशर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये प्रेशर सोसाइटी का, और सोसाइटी कितनी बड़ी होती है ना, और जब सोसाइटी के अंदर वो सिस्टम बन चुका है तो वो नहीं टूटेगा, इसलिए उस सिस्टम से अपने आप को दूर करना जरूरी है। रिजल्ट 80% आए, 85 आए, मैं तो बोलता हूँ 60 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पिछला परफॉर्मेंस था। उसी रिजल्ट को रखकर मेरे 60 अगर आए हैं तो 40% क्यों नहीं आए, इसके बारे में एनालिसिस करके उसके बारे में सोचना और अपने आप को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड कि रिजल्ट के मायने को समझना कि हाँ रिजल्ट एक्चुअली क्या है करके। ये अंडरस्टैंड करना है दोस्त, ये अंडरस्टैंड करना है। रिजल्ट के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन वो जो रिजल्ट आपको आया है ना, है ना, आपका जो रिजल्ट आया है वो आपको इतना प्यारा होना चाहिए कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। अब समझ के चलिए कि एक गर्ल है, ओके, और वो एक फंक्शन में जाने के लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस उसके फ्रेंड सर्कल में से ही, उनके फ्रेंड सर्कल में डिसाइड होता है कि वो कहीं पर मतलब एक रिसेप्शन में जाने वाला है, और रिसेप्शन में जाने के लिए फ्रेंड सर्कल के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब ये शॉपिंग करने के लिए चली जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को कहती है कि महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा ड्रेस लेना है करके, और वो बहुत ही पसंद का उसको उसका ड्रेस लेकर भी दे देते हैं। उसको ड्रेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसने वो ड्रेस पहना, उस फंक्शन में गई, उधर से उसको अपनी फ्रेंड आते हुए दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने अपने फ्रेंड का वो ड्रेस देखा,
उसका मोरल डाउन हो गया, उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे फ्रेंड का जो ड्रेस है वो ज़्यादा अच्छा है मेरे ड्रेस से। हो गया खुशियाँ बर्बाद। जिस ड्रेस को लेकर वो एक्साइटेड थी, हैप्पी थी, सब कुछ थी, ओके, वो सारी खुशियाँ खराब हो गई। क्यों हुई पता है क्या? अपने ड्रेस की वजह से नहीं हुई, दूसरे के ड्रेस की वजह से हुई। जब आपने दूसरे के ड्रेस को बहुत अच्छा समझा, आपने दूसरे के, है ना, इसी को रखकर मैं बोलता हूँ कि जब आपने दूसरे के रिजल्ट को एनालिसिस करना शुरू किया कि उसको तो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल गए, मुझे कम मिल गए, हो गई आपकी खुशियाँ खराब, आपकी खुशियाँ बर्बाद। रिजल्ट ना, एक रिजल्ट जब आपका आता है ना, देखना आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एग्जाम्पल बहुत सटीक दे रहा हूँ मैं आपको। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको इसे कैसे लेके जाना है पता है क्या? आपको इसे लेकर जाना है कि एक जो छोटा सा बेबी होता है ना, एक वुमेन होती है, एक लेडी होती है, उसको एक छोटा सा बेबी होता है, तो अपने बेबी से कितना प्यार करती, पूरी दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोले, बोली गया थोड़ा सा सावला हुआ है या फिर कुछ यू नो मेंटली डिफेक्टेड हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है, बेबी आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, मेंटली डिफेक्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी मम्मी के लिए ना वो सिर्फ उसका बेटा होता है और वो उसको उतना ही प्यार करती है जितना शायद वो अपने किसी और बेटे से करती होगी। अगर ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल वाले से भी वो उतना ही प्यार करेगी। क्यों करेगी पता है क्या? क्योंकि उसने उसे अपने पेट में रखा हमेशा, जो मतलब कुछ भी खा लेती होगी उसने हर एक चीज़ को संभल कर खाया है, अपना ध्यान रखा है। इवन जब वो चलती है तो एक 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 स्टेप का उसने ध्यान रखा है, एक एक स्टेप को उसने मतलब बहुत ही संभल संभल कर चला है। क्यों? ये सब उसने अपने लिए नहीं, अपने उस छोटे से बेबी के लिए किया है जो शायद इस दुनिया में आने वाला है। अब आप बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल क्यों? थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो। जिस रिजल्ट को रखकर आपको हैप्पी होना चाहिए, आपका जो भी रिजल्ट आया है, आप दूसरे का रिजल्ट देखकर आप सैड हो जाते हो। लेकिन थोड़ा सोचो, इसी रिजल्ट के लिए तुमने सेक्रीफाइस किया, अपनी रातों की नींद खराब की, अपने बहुत सारे विशेष को साइड में रखा, बहुत सारे रिलेटिव्स के आप गए ही नहीं, कितने सारे सैक्रीफाइसेस किए। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ कि आपने कितने सारे सैक्रीफाइसेस किए, और इतने सारे सैक्रीफाइसेस करने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में आता है, आप अपने रिजल्ट की तरफ ध्यान ना देते हुए आप दूसरे के रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो। सीधी बात, आपने अपनी इंसल्ट कर दी, आपने जो इतना परफॉर्मेंस दिया, ये सारी चीज़ें की, इतना सब कुछ किया, उन सबकी इंसल्ट हो गई, और इंसल्ट करने वाला और कोई नहीं, हम खुद। सबसे पहले अपने रिजल्ट की इंसल्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, कैसा भी आए, तुम्हारा है, अपना है, और वो सिर्फ पास्ट बता रहा है, फ्यूचर नहीं बता रहा है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, गले से लगा के रखना अपने रिजल्ट को। मम्मी पापा कुछ भी बोले, रिलेटिव्स कुछ भी बोले, हाँ आया रिजल्ट, और पहले जैसा नहीं रहा बेटा अभी, क्योंकि सोसाइटी में कॉमन थिंकिंग बन गई है। कैसी थिंकिंग? बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो साइंस, उससे थोड़ा कम रिजल्ट आया तो कॉमर्स, और अगर बहुत अजीब लेवल पर रिजल्ट आया तो आर्ट्स, मतलब थोड़ा कम रिजल्ट आया तो आर्ट्स। लेकिन वो पहले की बात थी सर, मैम, ये पहले की बात थी, अभी ऐसा नहीं रहा। रिजल्ट है ना, मैं फिर से कहता हूँ, ये बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट पास्ट बताता है, फ्यूचर नहीं बताता है। रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बेटा या फिर बेटा, आप लोग लाइफ में क्या बनोगे, रिजल्ट से मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आपके डिसीजन से। समझ कर चलिए कि मेरा रिजल्ट अगर सही नहीं आया तो मैं उसको एनालिसिस करूंगा कि हाँ मैंने कहाँ पर गलती की, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इन गलतियों से बाहर निकलना है, और मैं साइंस ही लूंगा या फिर कॉमर्स ही लूंगा, मतलब जो मुझे पसंद है मैं वही लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। डिसीजन ज्यादा मैटर करेगा रिजल्ट से भी ज्यादा। क्या डिसीजन? डिसीजन मैटर करेगा दोस्त। मैं एक बात बोलूं आपको, अगर किसी का रिजल्ट थोड़ा कम आया है लेकिन अगर वो क्लियर है अपने डिसीजन के साथ कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, वो उस इंसान से बेहतर है जिसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है, वो उससे ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है कि वो कौन सी फील्ड में जाएगा, उसे अपना पैशन पता है, सारी चीजें पता है। मेरे क्लास का बच्चा, मैं आपको यही के एग्जाम्पल देता हूँ, टेंथ पढ़ते समय ही एक बच्चा आकर बोलता है सर आई वॉन्ट टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट। बहुत अच्छी डिजाइन बनाता है बच्चा, फर्क नहीं पड़ता उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो क्लियर है।
एक बच्ची बोलती कि सर मुझे रोबोटिक्स में जाना है, एक बच्ची बोलती है सर मुझे सीए करना है, एक बच्चा बोलता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। बहुत साल पहले कहा था उसने मुझे, कुछ दिन पहले आकर मिला मेरे से, सर जो बोला था वो मैं कर रहा हूं। रिजल्ट है ना, रिजल्ट हमारी लाइफ नहीं बनाता है। मुझे बस एक बात समझा दो, एक छोटे से कागज के टुकड़े में जिसके ऊपर तुमको डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिट कि मतलब अगर 60% आया तो कम है, 80% वाला अच्छा कर रहा है, 90 वाला तो और भी अच्छा कर रहा है, 99 वाला और भी अच्छा कर रहा है। क्या हमारी लाइफ डिजिट से चलती है? डिजिट से? अगर डिजिट से लाइफ चलती होगी ना बेटा, सो व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड ना, आई हैव गॉट ओनली 36 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, 36 मार्क्स। अगर लाइफ सच में डिजिट के भरोसे चलती होगी तो, रियली आई एम नॉट किडिंग विथ यू, आई हैव गॉट ओनली 36 मार्क्स इन इंग्लिश। मैंने एनालिसिस किया कहाँ पर गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, सब एनालिसिस किया, एंड देन इन 12th स्टैंडर्ड आई हैव गॉट 87 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, रिजल्ट कुछ भी आया उसके पहले डिसाइड करके रखना है कि हाँ करना क्या है। रास्ता क्लियर है ना, रास्ता अगर क्लियर है तो, रास्ता जब क्लियर होता है तो बीच में अगर थोड़ी सी अगर है ना कुछ डिफिकल्टीज आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका रास्ता ही क्लियर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस सिस्टम से बाहर निकलो, इस सिस्टम से बाहर निकलना जरूरी है। ओके, तो रिजल्ट जो भी आए, कुछ भी आए, ठीक है, रिजल्ट से आपकी वैल्यू कभी पता नहीं चलती। एक कागज के टुकड़े पे लिखे हुए डिजिट से कभी ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम क्या करने के लिए बने हो, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तुम कितना अचीव करने के लिए बने हो, ये कभी पता नहीं चलता। एक कागज का टुकड़ा आपकी लाइफ से, आपके पेरेंट्स की लाइफ से, आपकी लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए उस कागज के टुकड़े को ऐसा साइड में करने का, कैसा, ऐसा साइड में करने का, बोलने का हाँ हो गया तेरा, दिखा दिया मेरा पास तूने मेरे को, हो गया, अब तू यहीं पे शान बैठ, अब मैं आज कुछ सोच लेता हूं कि मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना है करके। आज सिंपल सी बात समझो, मेरे हाथ में पत्थर है, आम का पेड़ है, मेरे को आम खाने का है। पत्थर मतलब एफर्ट, आम लगाए मतलब क्या, फल बोलते ना, मेहनत का फल मिलता है, तो फल मतलब आम। मैंने पत्थर मारा, आम नहीं गिरा, बैठ जाऊंगा क्या, क्यों बैठूंगा भाई, दूसरा पत्थर उठाऊंगा फिर से मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक वो आम नीचे नहीं गिरता। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, तब तक मेहनत करो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पहले हम कितने बार पत्थर मार चुके हैं घर के, हमें बस रुकना नहीं है। कोई भी क्यूरी है, कुछ भी है, आप मुझे कॉल करें। रिजल्ट बहुत अच्छा है या बुरा है, उसका एन्जॉयमेंट या फिर उसकी खुशियाँ, या फिर थोड़ा बुरा रिजल्ट आया उसका दुख, ये 3 दिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो बहुत ज़्यादा उछलने का नहीं, क्योंकि वो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। पेरेंट्स 1 हफ्ते तक ही मतलब आपको बटर लगाएंगे, मक्खन लगाएंगे। बुरा आया बहुत चिल्ला सकते हैं, किसी किसी को तो मारते भी है, ठीक है, हाँ, तो वॉट एवर जो भी है, लेकिन 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता बहुत हो गया, 15 दिन ताने, उसके बाद नहीं, उसके बाद वो भी आपसे कहेंगे कि अब आगे क्या करना है जल्दी जल्दी बता। तो रिजल्ट आने के बाद सिंपली कुछ भी आता है दिमाग में, दिल में कुछ भी आता है, ओके, आप न्यूलिप के नंबर पर कॉल करोगे, हमें आगे बढ़ने का है भाई, आगे के स्टेप्स लेने हैं, आप साइंस लो कॉमर्स लो, आप आकर बैठो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आगे बढ़ना है करके। आपके साथ बहुत सारे बच्चों की स्टोरी शेयर करूंगा जिन्होंने 10th में क्या रिजल्ट लाया था और 12th में क्या रिजल्ट लाया, आपको पता चल जाएगा क्या होता है करके रिजल्ट। तो रिजल्ट से डरना नहीं है, रिजल्ट कुछ भी आए, आज मुझे खुद को भी नहीं पता मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ, मेरे दिल से जो बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस सिस्टम में मत फंसे रहो, इस सिस्टम, ये सिस्टम है, रिजल्ट लाने वाला ऊपर, रिजल्ट थोड़ा कम लाने वाला नीचे, ये सिस्टम है, सिस्टम से बाहर निकलो, सिस्टम से बाहर निकलो। ओके,
सिस्टम से बाहर निकलना है। मैं जब आपको ये बता रहा था ना कि हाँ आई हैव गॉट 36 मार्क्स ओनली इन 10th स्टैंडर्ड, देन आई हैव गॉट 87 इन 12th स्टैंडर्ड, तो मैं ये नहीं बताना चाहता था कि रिजल्ट कितना। हाँ बड़ी बात ये है कि आई हैव गॉट 36 मार्क्स इन इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। एंड मैं अपने बच्चों को जो मेरे सामने बैठे रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को, अब वो 80 के मार्क्स ला कर देता हूँ। जिस रिजल्ट ने मुझे उस सब्जेक्ट को रखकर फील करवाया, मैं उसी को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। इसीलिए जो आ गया वो आ गया, अब जो इसके बाद होगा वो हम करेंगे। सिचुएशन हमको नहीं बदलनी चाहिए, हम लिविंग लेजेंड है और हम सिचुएशन बदलने के लिए बने हैं। और इसीलिए जो सिचुएशन आई है वो रिजल्ट आपकी सिचुएशन बता रहा है, लेकिन वो सिचुएशन हमको ना बदले, हम उस सिचुएशन को बदल कर रखेंगे। इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना ही तो सब कुछ है, है ना। एक बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, बाबा सुनाते थे बहुत से बार, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था उस टाइम पर। वो सॉन्ग था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, बस चलते जा रही है। चलना है, चलना है, कभी अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी बुरा रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। और तब तक आगे बढ़ना है जब तक अपने ड्रीम को अचीव ना कर ले, है ना। तो वो यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन आ सकता है व्हाट आफ्टर 10th, तो इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 10th के बाद क्या क्या फील्ड्स हो सकती है, कौन सी फील्ड में आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि आप ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करें, बिकॉज इस बिलीव सिस्टम से बाहर निकलना ज़रूरी है। जब हम एक ओल्ड बिलीव तोड़ते हैं, तब जाकर हम एक नया बिलीव सेट करते हैं कि हाँ अब दुनिया परफॉर्म करने वालों की है, अब दुनिया उनकी नहीं है जो कागज़ के ऊपर डिजिट में चल रहे हैं, दुनिया उनकी नहीं रही, अब दुनिया रही परफॉर्मेंस देने वालों की। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ आई हैव गॉट 36, देन आई हैव गॉट 87 इन 12th स्टैंडर्ड, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि आज मैं यहाँ पर बैठकर मेरे स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूँ, उनके लाइफ में उनको क्या डायरेक्शन देता हूँ, उनको कितना ईजी वे में जाकर पढ़ाता हूँ। मेरे करंट परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा कि कौन मेरे सामने बैठेगा। तो वैसे ही मेरी जान, मेरे दोस्त, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो पास्ट को रखकर है। चौथी बार बोल रहा हूँ पूरे वीडियो में, चौथी या पांचवी बार 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 समझा रहा हूँ, पास्ट को रखकर रिजल्ट आया है। आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा आपके आज के प्रेजेंट पर। तो प्रेजेंट पर ध्यान देना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है और धूम मचाएंगे, राइट। हाँ, व्हाट आफ्टर 10th, बहुत जल्दी बात करूंगा आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड, योर शेयरिंग इज योर केयरिंग, राइट। थैंक यू सो मच बेटा। और कोई भी कन्फ्यूजन है रिजल्ट को रखकर, कोई भी डर लग रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, क्लास का नंबर है आपके पास, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल करो, या फिर मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7888 3 8, है ना, 7888 0 8 8 1 1 5। आप इस नंबर पर मुझे कभी भी कॉल करो, रिजल्ट के आसपास की किसी भी डेट में कॉल करो, कहीं पर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपके साथ बात करूँगा, बिल्कुल फील नहीं करने का इसको लेकर, ठीक है। हाँ चलो, मिलते हैं।